सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरीज जो मेरे पास आती हैं वो ये आती हैं कि हमें अपना वीकली हेयर केयर कैसे करना चाहिए। वीकली हेयर केयर देखा जाए तो हर किसी का अपना बनाया हुआ है। कोई वीक में एक बार हेड वॉश करता है, कोई दो बार करता है, कोई तीन बार करता है, कोई ऑयलिंग करता है, नहीं करता। मास्क किसी के लाइफ में है ही नहीं और किसी के लाइफ में मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन पता है दोस्तों, ये ऐसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं। हम प्रोटीन एक साथ बहुत सारा नहीं ले सकते, हम कार्ब्स एक साथ नहीं ले सकते, हम मिनरल्स नहीं ले सकते, हम सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते, राइट? कि हम सिर्फ दाल खाएंगे और हम सफिशियंट, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, या हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखेंगे तो हम बहुत स्किनी रहेंगे, शाइनी रहेंगे, नहीं। हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे वीकली हेयर केयर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की क्लींजिंग से। रूट की क्लींजिंग आपके वीक में, आपके हफ्ते में कितनी बार होनी चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूं विंटर की, विंटर तो अब जा चुकी है, इट्स अबाउट टू गॉन, तो अगर मैं बात करूं विंटर की, तो आपको वीक में एक बार हेड वॉश से ज़्यादा हेड वॉश नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है कि आपका हेड, आपके हेयर पूरे दिन रैप होके रहते हैं, आप घर से बाहर कम निकलते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, प्लस ड्राइनेस विंटर में एक्सेस में होती है। तो वन टाइम आपका जो हेड वॉश है विंटर में जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं समर्स की, जो अब स्टार्ट होने वाली है और बहुत इंटेंस होने वाली है, तो कम से कम दो बार हेड वॉश होना चाहिए, और ना तो एक बार ना तीन बार, दो बार हेड वॉश आपका होना ही चाहिए वीक में। आप ऐसे ऐसे रूटीन बना सकते हैं, संडे वेंसडे कर लिया, मतलब तीन दिन बीच में जाने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयलिंग की, तो ऑयलिंग क्या हमारा रोल प्ले करता है? जब भी हम अपने रूट को क्लींस करते हैं तो उसमें से जो मैंने बताया था ना पहले भी आपको, उसमें से जो ऑयल होता है, जो सिक्रीशन ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखते हैं, अगर फर्टिलाइज़र, अगर ऑयल से हम लगातार अपनी हेड वॉश करते हैं और उससे पहले अपना हेयर का मसाज करते हैं, तो हमारे बालों में, हमारे रूट्स में जो न्यूट्रिशन है वो लॉक हो जाता है और वो किसी भी हद तक ड्राइनेस या डैंड्रफ नहीं लाता। हमें अब कैसे करनी चाहिए ऑयलिंग? हमेशा आपके हेड वॉश से 12 आवर पहले होनी चाहिए, 12 घंटे पहले। 24 घंटे पहले मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनके बहुत सीवियर हेयर कंडीशन है, लाइक एस जिनके एलोपीशिया है, जिनके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जिनके हेयर ग्रोथ है ही नहीं, तो उनको मैं करती हूँ। लेकिन अगर आप सोचें कि आप पूरे हफ्ते अपने बालों में ऑयल डाल के रखेंगे, ये आप बहुत गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना ऑयल डाल के आप बाहर जाएंगे, उतने डस्ट पार्टिकल्स आपके स्कैल्प पे टच होंगे, वो स्टिक होंगे, और फिर आपको बहुत बड़ा फंगल इन्फेक्शन से गुजरना पड़ सकता है। ये हो गई बात क्लींजिंग की और हो गई आपके न्यूट्रिशन की। अब हम बात करते हैं हेयर मास्क की। रूट्स को तो हमने नरिश भी कर लिया और क्लीन भी कर लिया, बात आ गई हेयर की। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल नहीं है लेकिन हमारे बाल लंबे नहीं हैं, हमारे बाल सुपर शाइनी नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्प्लिट एंड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने रूट का न्यूट्रिशन कर लिया लेकिन जो हमारी लेंथ ग्रो कर रही है हमने उसके साथ कुछ करा ही नहीं। जैसे आपके नेल्स, अगर आप नेल्स को, आपके नेल्स लॉन्ग होते हैं तो आप उनको फाइल करते हैं ना, आप उन पे कोटिंग लगाते हैं ना, जिससे कि आप पानी में हाथ दें या आप कुछ भी चीज़ मतलब टच करें तो आपके नेल्स पे फ़र्क ना पड़े, आपके नेल्स येलो ना हो। कहते हैं ना एक हेल्दी जो पर्सनैलिटी होती है एक वुमेन की, उनके हेयर और नेल से रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप अपने नेल और हेयर पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ना, आप कुछ भी पहन लीजिए, कैसे भी मेकअप कर लीजिए, आप बिल्कुल सिंपल रहिए, बट जो आपका लुक है वो रिच आएगा। तो हम नेल को, जैसे अपनी क्यूटिकल्स को हम बार बार क्लीन करते हैं, हम उसकी लेंथ को फाइल करते हैं, इसी तरह से आपको हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क को कोशिश करिए रूट में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, रूट से 1 या 2 इंच ऊपर से आप अपना हेयर मास्क लगाना शुरू करेंगे और फिर उसको पूरी लेंथ में कवर करेंगे। हेयर मास्क सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार जाएगा, इससे ज़्यादा आप हेयर मास्क नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हेयर मास्क अच्छे से राइंस ऑफ नहीं होगा और फिर से आपके बाल स्टिकी लगने के लगेंगे अगले दिन। अब फोर्थ आता है सीरम। कंडीशनर को मैं बिग नो कहती हूँ, कंडीशनर के विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे। अब आता है सीरम। तो जितनी बार आप हेड वॉश करेंगे, दो बार करेंगे या एक बार करेंगे, डिपेंड करता है आपकी हेयर लेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हेड वॉश कर रहे हैं उसके बाद आपको अपना टॉवल से थोड़ा सा पैड ड्राई करने के बाद लेंथ में आपको सीरम लगाना है। सीरम आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कुछ अच्छे सीरम, जिनको ज़रूरत है यू कैन डू कमेंट देयर। और ध्यान रखिएगा वीकली हेयर केयर में कॉम्बिंग,
मैं देखती हूँ बहुत सारी वुमेंस ऐसी हैं जो एक दिन हेयर कॉम भी नहीं करती, भूल गए, कल करेंगे। नहीं, हेयर कॉम आपके रूट्स की और आपकी लेंथ की एक्सरसाइज है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, और आपके बालों की एक्सरसाइज क्या हुई? अच्छा बताइए, आपके रूट्स की एक्सरसाइज क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो आपका जो कॉम है, जब आपके रूट से टच होता है तो आपकी जो रोम छिद्र हैं, आपके जो कहते हैं ना कि जो पोर्स हैं, वो खुलते और बंद होते हैं। उससे क्या होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और जितने भी आपके एंटी एलर्जिक एलिमेंट्स हैं वहाँ से रिमूव होते हैं। ध्यान रखिएगा, वीकली हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट के साथ जाने से पहले इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और बने रहिए मेरे साथ मेरे पेज पर हेयर ऑन टोकेश, इट्स ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन।